शांति आज से श्राद्ध के दिन शुरू हो रहे हैं अर्थात श्रद्धा को जागृत करने का या फिर से श्रद्धा स्नेह युक्त संबंधों को जागृत करने का दिन आ गए हैं श्राद्ध है ही श्रद्धा का विषय श्राद्ध है ही भूले बिसरे स्नेही संबंधियों को फिर से श्रद्धापूर्वक उनके गुणों के साथ उनको याद करने का पावन दिवस पावन दिवस इसलिए कि हम श्राद्ध उनका रख करके और उनके गुणों का गायन करते हैं उनके प्रति हम जो कुछ भी हमसे बनता है धनदान अन्नदान वस्त्रदान या फिर किसी भूखे को खिलाना प्यासे को पानी पिलाना ये सब काम उस उस समय किए जाते हैं इसीलिए ये श्राद्ध के दिन भी पुण्य कर्मों को करने और कराने का एक प्रसंग है इस प्रसंग को भी हमें एक उत्सव के रूप में लेना चाहिए क्योंकि जैसे उत्सव में उमंग और उत्साह के साथ मनाना होता है वैसे ही श्राद्ध के दिन भी हम उन आत्माओं के गुण गाकर उन आत्माओं को खुशी के वाइब्रेशन तो पहुंचाते हैं परंतु उन आत्माओं के प्रति जो कुछ भी किया जाता है चाहे भोजन कराना चाहे पेय पदार्थ पिलाना चाहे वस्त्र दान, अन्न दान, धन दान, जो भी दान करते हैं उस दान से उस आत्मा को अप्राप्ति से प्राप्ति होती है या फिर वो आत्मा संतुष्ट होती है और वो आत्मा की संतुष्टता उसको खुशी में लाती है उसको अल्पकाल का उत्साह देती है उमंग भरती है इसीलिए हमें इस प्रसंग को एक उत्सव के रूप में लेना है तो हम बड़ी खुशी से उनको याद करें उनका गुणानुवाद करें उनके प्रति अपना स्नेह प्रकट करें और उनके प्रति हमारी श्रद्धा वह भी हम प्रकट करें और ये भी थोड़ा सोचें कि हमने क्या ऐसा उनके लिए उनकी जीते जी नहीं किया जो मुझे करना बाकी है तो हम उन बातों को याद करते हुए कोशिश करें कि हम श्राद्ध के इन दिनों के अंदर उनकी वह भी इच्छा हम पूर्ण करें जब इस प्रकार हम करेंगे तो हम श्राद्ध को यथार्थ रूप से एक उत्सव का रूप देकर मना सकेंगे बाकी हम उनको याद करके दो चार आंसू बहा दें और हम आँसू बहाते बहाते उनके गुण गाएं परंतु स्वयं में किसी भी गुण को धारण न करें सिर्फ़ महिमा करें महिमा योग्य न बने ऐसा हम हम नहीं करें परंतु वह यदि गुणवान थे तो हम अपने अंदर उनके गुणों को धारण करें तो उनको हम एक अपना आदर्श मानकर और उन आदर्शों पर हम चलें और अपने जीवन के अंदर परिवर्तन लाने का यत्न करें तो ये है श्राद्ध का रहस्य ओम शांति